हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है गलत फहमी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपने गलत फहमी वर्ड का यूज़ काफ़ी बार किया होगा, बहुत बार आप इसका यूज़ करते होंगे। हो सकता है कि आप जो आप बात बोलना चाहते हैं उसको पूरा इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट सिर्फ यही वर्ड ऐसा हो जाता हो कि आप उसकी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इसलिए आपको पूरा वर्ड हिंदी में बोलना पड़ता है। तो इस वर्ड का इंग्लिश में मतलब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गलत फहमी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिसकंसेप्शन, 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 मिसकंसेप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे इसे कैसे बोलना है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। अरे यार, तुम्हें तो गलत फहमी हो गई है। अरे यार, तुम्हें तो गलत फहमी हो गई है। आज का ये सेंटेंस है, इसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। दोस्तों, कमेंट जरूर करें, ताकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। तो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं कमेंट जरूर करें सेंटेंस बनाकर। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और इसी तरह की और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।